आपने जब जून में वेन यू टुक ओवर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था कि uh, जो वाटर स्केसिटी का जो इश्यू है उस पर मीडिया हाइप ज्यादा है, है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट है इक्कीस ऐसे शहर हैं दैट दे आर गोइंग टू रन आउट ऑफ वाटर ग्राउंड वाटर बाय नेक्स्ट ईयर मोस्ट एक्सपर्ट्स हैव अ बाई बाय 2030 इंडिया वुड हैव The the demand would exceed almost double of the supply of the water, fresh drinking water, in this country. Do you still believe that uh, it is more of a hype? देखिए मैं अति आयोग की बात करना शुरू करना चाहता हूँ वो आधा सत्य हाफ ट्रुथ और हाफ ट्रूथ इसलिए मैं ये बात मान सकता हूं कि वो 2020 तक वो 21 शहर जिनको उस सूची में रखा गया उनमें जमीन में पानी समाप्त हो जाएगा लेकिन शायद हम में से बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगी कि आउट ऑफ दोज ट्वेंटी वन सिटीज़ पंद्रह शहर ऐसे हैं जिनमें डिपेंडेबिलिटी अपॉन द अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज फॉर ड्रिंकिंग वाटर इज लेस देन फाइव परसेंट जमीन से पानी नहीं आता है नहर से पानी आता है जो है वो सरफेस वाटर से पानी का सप्लाई होता है और जो बचे हुए शहर हैं वो शहर ऐसे हैं जहाँ नहरें बहुत पास से बहती है सो so, कैन भी मैनेज इतना बड़ी चुनौती नहीं है जहां तक पानी के प्रश्न है आपने जो बात की 2030 तक जब हमारा देश आजाद हुआ था तब पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ तो वाटर वॉज इट तो बी तो फाइव थाउजेंड टू प्लस क्यूबिक मीटर्स पर कैपिटा अभी घटकर के हमारी ये अवेलेबिलिटी पंद्रह सौ चौसठ क्यूबिक मीटर्स पर कैपिटा हो गई लेकिन पानी कम नहीं हुआ है आबादी उतनी ही गुना बढ़ी सी हमारे देश जो है वो दुनिया का इस साइज के देश अगर बड़े देशों के परिपेक्ष में बात करें तो दुनिया का सबसे खुश नसीब देश है पानी के परिपेक्ष में और रेनफॉल पर एनम इज थाउजेंड सिक्सटी एट मिलीमीटर्स एवरेज नेशनल एवरेज इज दुनिया का सबसे ज्यादा बरसात जिस देश इस प्रदेश में होती है जिस क्षेत्र पे होती है वो भारत में चार हजार बिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी हर साल बरसात और बर्फ से हमारे देश में आता है और आप जहाँ विश्वास कर सकते हैं कि देश का जो सारे बांध देश का सबसे बड़े बांध से लेकर के आपने गांव में जो छोटे से छोटा तालाब तक की कल्पना कर सकते हो उस सब का टोटल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो आठ परसेंट भी नहीं है उसका केवल ढाई सौ क्यूबिक मीटर है दो सौ पचास क्यूबिक मीटर सो हमारी चुनौती ये नहीं है हमारी चुनौती है कि हम अपने पानी का प्रबंधन किस तरह से करें वाटर मैनेजमेंट किस तरह से करें और हमारे सामने उदाहरण है इसराइल देश है

So again, half truth. 2024 20, is right, but the target is 100%. 100%. 100%. And see, I correct you forever because in Modi's government, there is nothing 90%, everything 100%.